अस्सलाम वालेकुम फॉर क्लास, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। दिस इज़ योर कंप्यूटर क्लास एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर मिस फरीहा। टुडे फॉर क्लास वी आर गोइंग टू रीड पेज नंबर 93 एंड 94 ऑफ चैप्टर नंबर 8, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू एम एस वर्ड 2010। आफ्टर रीडिंग दिस पेज यू विल एबल टू नो अबाउट क्विक एक्सेस टूल बार, रिबन, स्क्रॉल बार एंड रूलर्स। एंड आफ्टर रीडिंग पेज नंबर 94 यू विल एबल टू नो स्टेटस बार एंड हाउ टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग। क्विक एक्सेस टूल बार, इट इज़ प्रेजेंट एट द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टाइटल बार। यू मे ओपन एंड सेव डॉक्यूमेंट्स बाई जस्ट वन क्लिक। यू कैन प्लेस द क्विक एक्सेस टूल बार अबव एंड बिलो द रिबन। यानी क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ होता है? कि आपके टाइटल बार के लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर होता है, मीन्स के बाएं कॉर्नर के ऊपर होता है। एंड यू और आप इसको खोल भी सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स को सेव भी कर सकते हैं सिर्फ इसके ऊपर एक क्लिक करके। और आप इसको कहाँ रख सकते हैं? अपने रिबन के ऊपर या नीचे, जहाँ पर आपका दिल करे आप इसे प्लेस कर सकते हैं। नाउ रिबन, द रिबन कंटेन्स टू पार्ट्स, टैब्स एंड ग्रुप्स। ईच टैब कंटेन्स कमांड्स अरेंज्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स फॉर कैरिंग आउट डिफरेंट टास्क। होम टैब इज यूज फॉर एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। रिबन के टू पार्ट्स होते हैं, टैब्स और ग्रुप्स। हर टैब के अंदर कमांड्स के ऊपर मुश्तमिल एक ग्रुप होता है, ठीक है ना? यानी कि टैब के अंदर ग्रुप्स होते हैं डिफरेंट कमांड्स के। और होम टैब जो होता है ये एडिटिंग और फॉर्मेटिंग करने के लिए, यानी कि अपने टेक्स्ट को चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ स्क्रॉल बार, देयर आर टू स्क्रॉल बार्स, द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार एंड द वर्टिकल स्क्रॉल बार। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार शिफ्ट्स द डॉक्यूमेंट लेफ्ट एंड राइट एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार शिफ्ट्स द डॉक्यूमेंट अप एंड डाउन। यानी कि स्क्रॉल बार दो तरह की होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल यानी कि उफकी, और दूसरी होती है वर्टिकल यानी कॉलम की शेप की, जो कि आपकी अमूदी होती है, ठीक है ना? तो हॉरिजॉन्टल होती है रो की तरह और वर्टिकल होती है आपकी कॉलम की तरह, ठीक है ना? अब जो हॉरिजॉन्टल होती है ये आपके डॉक्यूमेंट को शिफ्ट करती है बाएं से दाएं जाने, और जो वर्टिकल होती है ये आपके डॉक्यूमेंट को शिफ्ट करती है ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है? या नीचे से ऊपर भी चले जाते हैं। अब है रूलर्स, देयर आर टू रूलर्स इन एम एस वर्ड टू मेजर द अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट के अंदर दो रूलर्स होते हैं, ठीक है? द हॉरिजॉन्टल रूलर मेजर्स द विड्थ ऑफ द डॉक्यूमेंट स्टार्टिंग एट द लेफ्ट मार्जिन। एक हॉरिजॉन्टल रूलर होता है यानी कि उफकी, ये क्या मेजर करता है? डॉक्यूमेंट की विड्थ को मेजर करता है, उसकी चौड़ाई को मेजर करता है लेफ्ट मार्जिन से, यानी कि बाएं जानेब से। इट काउंट्स द इक्वल स्पेस एट द बोथ मार्जन्स लेफ्ट एंड राइट। द वर्टिकल रूलर मेजर्स द लेंथ ऑफ द डॉक्यूमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप मार्जिन। इट काउंट्स इक्वल स्पेस एट द टॉप एंड बॉटम मार्जिन। और एक आपका होता है वर्टिकल रूलर, ये क्या करेगा? ये डॉक्यूमेंट की लेंथ को मेजर करेगा, ठीक है, टॉप मार्जिन से, यानी सबसे ऊपर से नीचे तक ये डॉक्यूमेंट की लेंथ को मेजर करेगा, और हॉरिजॉन्टल विड्थ को मेजर करता है, ठीक है ना? और ये जो वर्टिकल होता है ये वर्टिकल रूलर, ये उसके अंदर स्पेसिस को भी काउंट करेगा टॉप से बॉटम मार्जिन में, ठीक है? Now status bar. स्टेटस बार डिस्प्लेज द इन्फॉर्मेशन लाइक पेज नंबर एंड द नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ डॉक्यूमेंट। स्टेटस बार के अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है? जिसके अंदर आपके पेज नंबर हों या आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, तो ये सब इन्फॉर्मेशन स्टेटस बार के अंदर होती है। नाउ हाउ टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट फॉलो द गिवन स्टेप्स। एक नए डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए आपके पास कौन से स्टेप्स हैं? नंबर वन इज क्लिक ऑन द फाइल टैब। फाइल टैब पर क्लिक करें, फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू सिलेक्ट न्यू। अब वहाँ पे एक मेन्यू आएगा, वहाँ से आपने न्यू की ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। इन द मिडल पैन डबल क्लिक ऑन ब्लैंक डॉक्यूमेंट टू क्रिएट अ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट। अब आपके मिडल पैन के अंदर एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट की ऑप्शन होगी, ठीक है ना? वहाँ पे तीन पैन आ रहे होते हैं, तो दरमियान वाले में से आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट की ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। एंड यू कैन सी इन फिगर नंबर 8.6 द ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऑप्शन, ओके? यू मे ऑल्सो सिंगल क्लिक ऑन ब्लैंक डॉक्यूमेंट एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट बटन इन द बॉटम राइट। अगर आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर डबल क्लिक नहीं करेंगे, एक क्लिक करेंगे, तो देन आपको क्रिएट बटन को क्लिक करना होगा एक नए डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए। नाउ फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। फॉर्मेटिंग मीन्स चेंजिंग द फॉन्ट साइज स्टाइल एंड कलर ऑफ द टेक्स्ट। यानी फॉर्मेटिंग का क्या मतलब है? अपने फॉन्ट के साइज को, उसके स्टाइल को और कलर को चेंज करना, ठीक है? तो ये था आपका आज का लेक्चर फॉर क्लास। आई होप यू गॉट ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ अल्लाह हाफिज़ टिल अपकमिंग लेक्चर। स्टे होम, स्टे सेफ।